गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि अपना टॉपिक चल रहा था मेथड्स ऑफ बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर, इस जिसके अंदर अपनों ने पहले गोबर से खाद बनाने की विधियां और कंपोस्ट बनाने के मेथड पढ़ लिए थे। इसी के अंदर ग्रीन मैन्योर है। और एक बात और है कि ग्रीन मैन्योर एक तो टॉपिक इसके अंदर भी आता है, इसके अलावा अलग से सिलेबस के अंदर ग्रीन लीफ मैन्योर दिया हुआ है, जो कि वो टॉपिक भी इसी वीडियो में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो अपने सबसे पहले देखते हैं ग्रीन मैन्योर। कि ग्रीन मैन्योर किसे कहते हैं, जैसे कि लेग्यूम्स क्रॉप और नॉन लेग्यूम क्रॉप्स को हरी अवस्था में जीवाश्म पदार्थ और पोषक तत्वों की प्राप्ति के उद्देश्य से खेत में दबाने की प्रक्रिया को हरी खाद कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि अपनों ने पहले बात की थी लेग्यूम्स क्रॉप और नॉन लेग्यूम क्रॉप की, तो अपने ये जान लेते हैं कि लेग्यूम्स क्रॉप्स कौन कौन सी होती है और नॉन लेग्यूम क्रॉप्स कौन कौन सी है। जैसे कि लेग्यूम क्रॉप के अंदर सन हेम्प आ गया, सन हेम्प के बाद डेंचा आ गया, उसके बाद ग्वार आ गया और काउपी। अपने पास लेग्यूम क्रॉप कौन सी है, सन हेम्प, डेंचा, ग्वार और काउपी। और नॉन लेग्यूम क्रॉप के अंदर जैसे कि हम मेज, बार्ले और सोरगम, सोरगम, बार्ले, मेज नॉन लेग्यूम क्रॉप के अंदर ये आ जाती है। ठीक है, अपनों ने क्रॉप्स जान ली कि कौन कौन सी लेग्यूम क्रॉप होती है और कौन कौन सी नॉन लेग्यूम क्रॉप्स होती है। और अब ये जानना है कि कौन सी फसल से कितनी नाइट्रोजन हमें प्राप्त होगी। जैसे कि सन हेम्प, जैसे कि 6 से 8 वीक, 6 से 8 वीक सोविंग के बाद अपनी ग्रीन मैन्योर तैयार हो जाती है, उसका हम यूज कर सकते हैं। 6 से 8 वीक बाद इसे खेत में दबा देना चाहिए। सन हेम्प के द्वारा अपने को 80 kg प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन प्राप्त होती है। ठीक है, उसके बाद हम जैसे कि डेंचा, इसकी एक स्पेशली बात यह है कि उसर सोइल और सेलाइन सोइल के रिक्लेमेशन के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और इसके द्वारा अपने को 65 kg प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन प्राप्त होती है। ठीक है, जैसे कि सन हेम्प हो गया, डेंचा हो गया और ग्वार, ग्वार के द्वारा भी के द्वारा ही 65 kg प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन प्राप्त होती है। पर जैसे कि ग्वार को कम वर्षा वाले क्षेत्रों में लगा सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद काउपी के अंदर 60 kg प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन प्राप्त होती है। इसके जैसे कि इन चारों की एक स्पेसी है, जैसे कि सन हेम्प के द्वारा सबसे अधिक नाइट्रोजन प्राप्त होगी, डेंचे के द्वारा उसर और लवणीय भूमि को सुधार के लिए यूज किया जाता है, ग्वार को
कम वर्षा वाले क्षेत्रों के अंदर उगाया जा सकता है और जहाँ काउपी को उगाते हैं वहाँ सोइल इरोजन कम होता है। ठीक है, अपनों ने क्रॉप्स के बारे में जान लिया और कौन सी क्रॉप से कितनी नाइट्रोजन हमें मिलती है उसके बारे में भी अध्ययन कर लिया। अब अपने मेथड्स जानेंगे ग्रीन मैन्योर बनाने के। ग्रीन मैन्योर बनाने के मेथड्स, ठीक है, इसको दो, इसके दो मेथड्स हैं। ग्रीन मैन्योर इन सीटू टेक्निक, ठीक है, फर्स्ट नंबर तो ये हो गया। और सेकंड नंबर ग्रीन लीफ मैन्योर, ठीक है। तो इन में दोनों में डिफरेंस क्या है पहले अपने ये जानते हैं। जैसे कि ये अपना एक खेत ले, ठीक है, इसी के अंदर हम ग्रीन मैन्योर के लिए क्रॉप्स को उगाएंगे और इसी जगह में उगाएंगे और इसी जगह के अंदर ही खेत के अंदर इसको दबा देते हैं। इस मेथड को बोलते हैं ग्रीन मैन्योर इन सीटू टेक्निक, जहां पर उगाई वहां पर ही खेत में दबा दिया, ठीक है। ये तो इन सीटू टेक्निक होगी। और इस मेथड में ग्रीन लीफ मैन्योर के अंदर जैसे कि ये खेत है, खेत ये अपना खेत खाली है, ये बिल्कुल खाली खेत है, ठीक, यहाँ अपने जैसे पेड़ पौधे लग रहे हैं, यहाँ पत्तियाँ पड़ी है, यहाँ दूसरे खेतों में जैसे क्रॉप लग रही है, झाड़ियाँ वेस्टेज वगैरह वो मटेरियल यहाँ है। इस खेत के अंदर दूसरी जगह से ऑर्गेनिक मैटर उठाकर या ग्रीन लीफ मैन्योर, जैसे कि अपनों ने फर्स्ट में पढ़ी थी कि इस खेत के अंदर ही ग्रीन मैन्योर लगाते हैं, अगर इसी के अंदर बहा देंगे तो इन सीटू टेक्निक बन जाती है। अगर ये यहाँ पर अपने जैसे कि ग्रीन मैन्योर के लिए क्रॉप लगी है इसी ज़मीन में, पर इसी ज़मीन के अंदर नहीं दबाएंगे इसको अपने, इसको काट करके ला करके इसके अंदर दबा देते हैं तो वो इसके अंतर्गत आती है, ठीक है, उसके अंतर्गत नहीं आएगी। इसके अंदर, इस खेत के अंदर अपने साइड से जैसे कि पौधों की पत्तियां, ऑर्गेनिक मटेरियल, जैसे भी क्रॉप्स का वेस्ट मटेरियल होगा या किसी खेत में उगा करके ग्रीन मैन्योर, उसमें से काट करके यहां पर लाकर डालने के अंतर्गत ग्रीन लीफ मैन्योर इस मेथड के अंतर्गत आता है, ठीक है। डिफरेंस अपने को पता चल गया दोनों में कि दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। ये पता चलने के बाद अपने को ये देखना है कि इनको अलग अलग मेथड बनाने का पर्पज़ क्या था। इनको अलग अलग बनाने का पर्पज़ ये था कि ये टेक्निक वहाँ ज़्यादातर यूज करते हैं जहाँ पर हमें इरिगेशन की सुविधा होती है और पानी की उचित व्यवस्था होती है, और यह मेथड वहाँ यूज करते हैं ज़्यादातर जहाँ पर अपने को पानी की उचित व्यवस्था नहीं हो पाती है। जैसे कि इसके अंदर अपने को क्रॉप लगाने के लिए पानी चाहिए और इसके अंदर अपने को क्रॉप नहीं, खाली भूमि है, दूसरी जगह से मटेरियल ला के डालना है तो उसके अंदर पानी की ज़रूरत नहीं चाहिए, कम पानी की आवश्यकता होती है, चाहिए पर थोड़ा बहुत चाहिएगा, उतना अपने पास बारिश वगैरह हो जाती है। इसी में पानी पानी इसलिए ज़्यादा चाहिए क्योंकि यहीं क्रॉप उगाएंगे और यहीं दबाएंगे, उगाने के लिए भी अपने को वाटर चाहिए और फसल ज़मीन में दबाने के बाद उसको पानी के बिना वो अच्छी तरह सड़ नहीं पाती है, तो उस खाद बनने के लिए भी पानी चाहिए अपने को, ठीक है, अच्छी तरह से सड़ पाएगी, पानी की मस्ट रिक्वायरमेंट होती है इसके अंदर, और इसके अंदर पानी की कम मात्रा के अंदर आवश्यकता होती है।
ये अलग अलग क्षेत्रों में, ये अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में अपनाई जाती है, यह कम वर्षा वाले क्षेत्रों में अपनाई जाती है। जैसे कि अपनों ने अब जान लिया कि दो टेक्निक्स हैं, इसके अंदर अपनों ने ये जहाँ पर उगाते हैं वहीं पर दबा देते हैं और इसके अंदर दूसरी जगहों से मटेरियल लेके आते हैं। ये आज अपना ग्रीन मैन्योर वाला टॉपिक है जो क्लियर हो गया है। थैंक यू।